हरमोहन सिंह ने आज अपने घर पर आखिरी सांस ली। हरमोहन सिंह 94 साल के थे। 2007 में वो महासभा में अध्यक्ष रहे। 1991 में राष्ट्रपति ने उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया। 1984 में हुए दंगों में भी उन्होंने सिख समुदाय के लोगों की रक्षा की। परंपरा के मुताबिक चौधरी हरमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव के समाधि स्थल में किया जाएगा। चौधरी हरमोहन सिंह के निधन पर शोक की लहर छा गई है। वहीं अब उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ जमा होने लगी है। चौधरी हरमोहन सिंह का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा, जिसमें समाजवादी के बड़े नेता मौजूद। आगरा में आज एक पुलिस वाले ने ड्यूटी के दौरान शराब पीकर खूब हंगामा किया। इस पुलिस वाले ने महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की। आगरा में एक पुलिस वाले ने ड्यूटी के दौरान शराब पी ली। इस दौरान उसके दो साथी भी उसके साथ थे। पीने के बाद पुलिस वालों को होश ही नहीं रहा। शराब पीने के बाद पुलिस वाले ने जिस ठेके से शराब ली थी वहीं उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस पुलिस वाले ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। जब पुलिस वाले को होश आया तब से वो अपना चेहरा छिपाता फिरा। पुलिस वाले के इस कारनामे की सूचना जब वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तो उसे पकड़ लिया गया। अब पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में बहुगुणा सरकार के 4 महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने अपने सभी विभागों का कामकाज की समीक्षा करने का फैसला लिया है। 26 जुलाई से मुख्यमंत्री अपने सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की घोषणा की थी जो अब तक पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में विभागों की ये समीक्षा इस फेरबदल को भी देखते हुए अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस समीक्षा के बाद मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जा सकता है। इसके साथ ही काम न करने वाले मंत्रियों के विभाग भी छीन सकते हैं। सोचो जब मुख्यमंत्री के साथ हम अपने अपने विभागों के सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हम जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो समस्याएं मुख्यमंत्री के स्तर पर हल होनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के चेयरमैन होते हैं, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान निकलेगा और एक रास्ता सरल रास्ता निकलेगा। मंत्रियों के मुताबिक इस समीक्षा से विभागों के कामों में तेजी लाने में भी काफी मदद मिलेगी, लेकिन कई मंत्रियों की क्लास भी लगेगी। आगरा में एक व्यक्ति की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आगरा के विजयनगर कॉलोनी में एक सड़क हादसे में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कार ने कर्मचारी महावीर प्रसाद को टक्कर मार दी। इस हादसे में महावीर प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आरोपी के घर के बाहर हंगामा किया। इस हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने मृतक कर्मचारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोरखपुर में एक चोर की हुई लाइव पिटाई। जिला अस्पताल में चोरी कर रहे इस युवक को लोगों ने जमकर धुना। गोरखपुर जिला अस्पताल में लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। लोगों का कहना है कि ये युवक चोर है और पॉकेट मारकर भाग रहा था। पिटाई के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि यहां रोज जिला अस्पताल में मरीजों के परिजन की बाइक या साइकिल को चोर पलक झपकते ही गायब कर देते हैं। ऐसे ही गड्डी टोटल चुराया था। कहां से चुराया है? लाइन में खड़ा था एक नंबर गेट पे। लोगों का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस चोरी की वारदातों को गंभीरता से नहीं लेती। वहां पर ना तो किसी भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है और ना ही किसी प्रकार की कोई सुरक्षा है। सुल्तानपुर में इन दिनों गैस की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।
वैसे तो जिले में कई गैस एजेंसियां मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। जिले में गाड़ियों और होटलों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी को सिलेंडर मिलने में काफी मुश्किल हो रही है। लोगों को दो दो महीनों पर एक गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रही है। लोगों को गैस सिलेंडर लेने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों को जहां इस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है, वहीं प्रशासन उनकी इस समस्या पर अपनी आंखें मूंदे बैठा है। जालौन में भी लोगों को गैस की कालाबाजारी को लेकर खासी परेशानी हो रही है। यहां पर लोगों को गैस नहीं मिल पा रही। इस कतार में खड़े ये लोग इंतजार कर रहे हैं गैस सिलेंडर के आने का। ये हालत है जालौन के जिला मुख्यालय उरई की, जहाँ घरेलू गैस की कालाबाजारी के चलते लोग भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई दिनों तक चक्कर लगाने और लाइन में लगने के बाद भी इन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाते और लाइन में खड़े होकर ही इन्हें घर लौटना पड़ता है। इतना ही नहीं, ब्लैक में सिलेंडर लोगों को आसानी से मिल जाता है और इसके साथ ही चाय के दुकान और ढाबों पर घरेलू सिलेंडर का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की अस्थियां आज गंगा में प्रवाहित कर दी गई हैं। उनके परिजन आज उनकी अस्थियां प्रवाहित करने ऋषिकेश पहुंचे। सुपरस्टार राजेश खन्ना की अस्थियां को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया है। आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरकर राजेश खन्ना के परिजन ऋषिकेश पहुंचे। उसके बाद डिंपल कपाड़िया और उनकी बेटी रिंकी खन्ना अपने पुरोहित के साथ गंगा में बिरला घाट पहुंचे और वहां पर राजेश खन्ना की अस्थियां विसर्जित की गई। अस्थि प्रवाह का क्रम कांड होता है, वो मंत्र होते हैं, कुछ जो बताए नहीं जाते, तो इसका अस्थि प्रवाह कर ये क्रम हुआ है। इनका पिंडदान किया और उसके बाद की नाम एंट्री वगैरह की और उन्होंने अपना जो सिग्नेचर वगैरह करे हैं। राजेश खन्ना के चाहने वाले इस मौके पर भावुक हो गए। बागपत में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या के बाद बवाल मच गया। युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। बागपत जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बाइक पर अपने घर लौट रहा था, जहां कुछ बदमाशों ने उसे लूटने की कोशिश की और युवक के विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सैकड़ों की संख्या में दिल्ली सहारनपुर हाईवे को घंटों तक जाम रखा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने लोगों में दहशत जरूर पैदा कर दी है। कौसाम्बी में एक बाप ही बना अपने बेटे का हत्यारा। आरोपी पिता अपने बेटे के शराब पीने की आदत से परेशान था। कौसाम्बी जिले में एक कलयुगी पिता ने अपने पुत्र को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामला पोखराज थाना क्षेत्र के निधिया गाँव का है, जहां बेटे के शराब पीने की आदत से परेशान पिता ने अपने पुत्र को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पिता का कहना है कि उसका पुत्र दिन रात शराब पीता था, जिसको लेकर आए दिन घर में कलह होती थी। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। गुस्से में इस व्यक्ति ने अपने बेटे की हत्या तो कर दी, लेकिन इसके लिए उसको पछतावा भी है। उत्तराखंड क्रांति दल के दोनों दलों ने देहरादून में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। दिवाकर भटके खेमे ने बीडी रतुड़ी को अपना नया अध्यक्ष चुना। वहीं त्रिविंद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने भी धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के इकलौते क्षेत्रीय दल यूकेडी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस विभाजित दल के दोनों दलों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। यूकेडी डी के अधिवेशन की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट ने की। बीडी रतुड़ी को यूकेडी के इस गुट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। रतुड़ी के नाम के ऐलान के बाद दिवाकर भट्ट ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं त्रिवेंद्र पवार के नेतृत्व वाले यूकेडी प्रोग्रेसिव के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से दल का स्थापना दिवस मनाया। दो हजार बारह के चुनावों से पहले यूकेडी में विभाजन हो गया था, जिसके चलते चुनावों में पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। अभी भी उत्तराखंड क्रांति दल दो गुटों में बटा हुआ है। उत्तराखंड में आज पर्यावरण दिवस मनाया गया। हर साल 25 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी शहीद श्रीदेव सुमन की शहादत को याद कर इस दिन को पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
15 मई 1915 में टिहरी के जौल गांव में जन्मे श्रीदेव सुमन ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस लड़ाई के दौरान सुमन को जेल भेज दिया गया था। इस दौरान सुमन जेल के अंदर से ही अनशन के माध्यम से अपनी लड़ाई जारी रखी। 84 दिन के अनशन के बाद सुमन 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए थे। श्रीदेव सुमन की शहादत को आज भी सुबह में लोग याद करते हैं। उनकी शहादत को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज विश्व विख्यात जिम कार्बेट नेशनल पार्क की नींव रखने वाले जिम कार्बेट की 137वीं जयंती है। आज हम जिन बाघों को बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, उन बाघों से जिम कार्बेट का बेहद गहरा और पुराना रिश्ता रहा है। जिम कार्बेट मूल रूप से ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिनका पूरा परिवार 1862 में नैनीताल आकर रहने लगा। उनके पिता नैनीताल में हेड पोस्ट मास्टर थे। 25 जुलाई 1875 में नैनीताल में जन्मे जिम ने बचपन से ही आसपास जंगली जानवरों को देखा। शुरुआती दौर में जिम ने शौकिया तौर पर जानवरों का शिकार करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उन्हें लगने लगा कि शिकार करना अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल हिंसक जानवरों को मारने में किया। उत्तराखंड के लोग जिम कार्बेट को गोरा साधु कहते थे। जिम कार्बेट ने अपनी बंदूक से कई आदमखोर बाघों के आतंक से उत्तराखंड के लोगों को निजात दिलाई। बिजनौर में एक टीचर बस में होने वाली छेड़खानी से इतना तंग आ गई कि उसने बस कंडक्टर की हत्या करवा दी। पुलिस की गिरफ्त में अपना चेहरा छुपाती इस महिला पर आरोप है कि इसने एक बस कंडक्टर की हत्या करवाई है। दरअसल बस कंडक्टर इस महिला से छेड़खानी किया करता था। कल्पना ने आज अपने देवर को इस बात की शिकायत की तो देवर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आरोपी की पिटाई की, जिसकी वजह से बस कंडक्टर की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर रोडवेज बस स्टैंड पर श्री जलालुद्दीन की झगड़े में चोट खाने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, जिस संबंध में थाना कोतवाली शहर के 302 का मुकदमा कल्पना शर्मा ओम शर्मा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ लिखा गया। पुलिस ने कल्पना और उसके देवर को आरोपी दोस्तों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर विद्युत परियोजना में पानी भर जाने से लोगों में दहशत है। इतना ही नहीं बल्कि धारी देवी मंदिर में भी पानी घुस चुका है। यहां विवादों में घिरी 330 मेगावाट की निर्माणाधीन अलकनंदा जल विद्युत परियोजना अलकनंदा पानी के उफान पर होने से झील बन गई है। बांध के मुख्य गेटों का निर्माण पूरा भी नहीं हो पाया था कि झील ने वो रूप ले लिया है कि निर्माणाधीन परियोजना से 10 किलोमीटर दूर धारी देवी मंदिर भी डूबे हुए इलाकों में आ गया है। मंदिर में 10 मीटर तक पानी भर चुका है। वहीं आसपास के दर्जनों गांव की आवाजाही मुख्य मार्ग से बंद कर दी गई है। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल है। ये बाढ़ ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से आई है। ऐसे में अगर ये बारिश यूं ही जारी रही तो निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते चमोली हाईवे 10 घंटों तक जाम रहा। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। चमोली में आज पहाड़ से मलबा गिरने से हाईवे जाम हो गया। बिरही और पातागल गंगा के पास भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं बीआरओ रास्ता खोलने की कोशिशों में जुटा है। पहाड़ों में हर साल भारी बारिश के चलते सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब तक कोई फुल प्रूफ योजना नहीं बना पाई है। इधर पिथौरागढ़ में भी आफत की बारिश जारी है। पिछले दो दिनों से हो रही इस बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है। दो दिनों से पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान मुसियारी तहसील को हुआ है। यहाँ नाचनी बिरथी टिमटिया और बोरा गांव में भूस्खलन होने से 17 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर बसाने की व्यवस्था की है। वहीं तेज बारिश के चलते मुनसियारी तहसील को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग भी जगह जगह से ध्वस्त हो चुका है।
जो विगत शाम और रात्रि जो वर्षा हुई थी वो भारी वर्षा हुई थी, विशेषतः मुनस्यारी, पिथौरागढ़, डीडीहाट और धारचूला में, तो उसकी वजह से लगभग 17 परिवार जो थे खतरे की जद में आ गए थे। उसमें से 5 परिवार जो नाचनी और टिमटिया क्षेत्र के थे उन्हें जन